बच्चों, ये अरमान जो पोयम है जो हमने पढ़ी है, ये पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 को सुल्तानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे मूलतः कवि थे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, उनकी एक ऐसी कविता है जिसे आज भी स्कूलों में प्रार्थना सभा में गाया जाता है। उन्होंने कई बालोपयोगी रचनाएं लिखी हैं, कई पुस्तकें लिखी हैं। बालोपयोगी मीन्स बच्चों के लिए जो उपयोगी हो। कविता के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम कविता कौमुदी माना जाता है। इसके 8 सर्गों में भारत के गांवों में गाए जाने वाले गीतों का संकलन है। संकलन मीन्स उनको इकट्ठा किया गया वहाँ। त्रिपाठी जी की अन्य रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वपन, मानसी आदि। और इन महान मूर्ति का निधन 16 जनवरी 1962 को हुआ था। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आप जिसने फेयर नोटबुक नहीं बनाई है वो अपनी फेयर नोटबुक बना लें, और जैसे आप स्कूल में काम करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले कठिन शब्द लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे, फिर प्रश्न उत्तर लिखेंगे, और साथ के साथ अपना इंडेक्स भी फिल करते जाएंगे जैसे आप स्कूल में करते थे, और नोटबुक को भी कवर कर लेंगे। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट है शोक, आजादी, उद्यम, उत्साह, सर्वस्व, धुन, भिखारी, मातृभूमि। बच्चों, आप एक लाइन में दो हार्डवर्ड लिख सकते हैं। ये जो कठिन शब्द मैंने लिखे हैं एक लाइन में, टू आप भी लिख सकते हैं। इससे आप हार्डवर्ड के बाद में आप लिखेंगे शब्दार्थ। यहाँ कुछ शब्दार्थ मैंने लिखे हैं। नंबर फर्स्ट है अरमान। बच्चों, अरमान का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा या हम चाहत भी कह सकते हैं। नंबर सेकंड अमर, अमर का अर्थ होता है जो कभी ना मरे। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो कभी ना मरे। बच्चों, ये हमारा जो शरीर है ये तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर होती है। तो अमर वह व्यक्ति होता है जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे, लोग उन्हें याद करें। ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं कि वह अमर हो गया, अमर जो कभी ना मरे। नेक्स्ट है उद्यम। उद्यम का अर्थ होता है मेहनत, परिश्रम। उद्यम मीन्स मेहनत या फिर परिश्रम। नेक्स्ट है उम्मीद। बच्चों, उम्मीद का अर्थ होता है आशा। सर्वस्व सब कुछ। धुन, धुन का अर्थ होता है लगन, किसी चीज को लगन से करना, कहते हैं ना उसकी धुन सवार होती, तो धुन मीन्स लगन। मान, मान मीन्स इज्जत। या फिर आदर, मान का अर्थ होता है सम्मान, किसी की इज्जत करना, उसको आदर देना, उसका सम्मान करना। नेक्स्ट है जग। जग मीन्स संसार। बच्चों, कठिन शब्द आप एक लाइन में टू कर सकते हैं, बट वर्ड मीनिंग वन लाइन में वन ही करना है। शब्दार्थ अगर एक लाइन में दो लिखेंगे तो घिचपिच हो जाएगा, वर्क समझ में नहीं आएगा। इसलिए शब्दार्थ आपको एक लाइन में एक ही लिखना है, कठिन शब्द आप दो लिख सकते हैं। और कंटिन्यू
इसी के नीचे से क्वेश्चन आंसर आपको शुरू करने हैं। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको वर्क कंटिन्यू रखना है। बच्चों डेट, पाठ का नाम, डेट आदि आपको सब मेंशन करना है जो कि आप सब जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा। सबसे पहले आप पोएम को लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, नीट एंड क्लीन। उसके बाद आप कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।